Yo, 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 what's up, people? It's your boy, Super Khalsa here, the best wrestler, but with bad attitude. So, जैसा कि इस वीडियो के टाइटल से आप सभी को पता चल चुका होगा, मैं पाकिस्तानी खान बाबा के बारे में बात करने वाला हूँ. So, जो खान बाबा है, ये वहाँ का नंबर वन हिजड़ा है, ये नंबर वन छक्का है. इस वीडियो में विद प्रूफ मैं बात करूंगा. आप सभी को पता है कि बिना प्रूफ के सुपर खालसा कभी भी कोई वीडियो नहीं बनाता. तो इस वीडियो में विद प्रूफ आपको मैं प्रूफ करूंगा कि ये खान बाबा, ये पाकिस्तान का जो है फेक रेसलर है, ये मर्द नहीं है. या तो ये मोटी सी 400 किलो की औरत है, या तो ये छक्का है जिसको हम पंजाब में खुसरा कहते हैं. तो ये वो नस्ल की चीज है. तो ज्यादा बातें ना करते हुए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि ये जो बंदा है, ये औरतों के शौक रखता है. और आज तक इसने कभी भी अपनी वीडियोस में अपनी बॉडी नहीं दिखाई. आपने ज्यादा से ज्यादा इसका या तो चेहरा देखा होगा, या तो इसके हाथ देखे होंगे. इसके अलावा आपने कभी इसकी कभी बॉडी की पिक्चर देखी? मैं कहता हूँ कि इससे आगे इसकी आर्म की भी आपने आज तक भी पिक्चर नहीं देखी होगी. तो ये पूरी बॉडी को कवर रखता है. अगर ये मर्द होता तो क्या ये अपनी बॉडी को ऐसे नहीं दिखाता? मैं जितनी भी वीडियोस बनाता हूँ, मैंने कभी भी अपनी बॉडी को हाइड नहीं किया, क्योंकि मुझे इसे दिखाने में प्राउड फील होता है. मैंने अपनी बॉडी पे मेहनत की है. और जो फेक बंदा होता है, ये फेक कपड़े तो डालता है, लेकिन उसके पीछे जो रीज़न है, ये अपनी बॉडी क्यों नहीं दिखाता, उसके पीछे रीज़न है कि इसकी जो बॉडी है वो औरतों वाली है, मर्दों वाली बॉडी बिल्कुल भी नहीं है. तो इसीलिए इसने कभी भी अपनी बॉडी नहीं दिखाई लोगों को. सो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी वीडियो ये औरतों वाले शौक रखता है, औरतों वाले काम करता है. सो ज्यादा बातें ना करते हुए सीधा चलते हैं वीडियो के ऊपर. हेलो एवरीवन, दिस इज मी, आपका अपना, बट मैं नहीं आ सकता इंडिया क्योंकि मैं आज एयरपोर्ट पे गया था, मेरी फ्लाइट थी और मुझे मेरे फैंस ने वहां पे देख लिया और मेरे साथ सेल्फीज बनाना शुरू कर दी. 4 आवर्स लग गए मुझे वहां पे और मैं बहुत ज्यादा, मेरे सर में हेडेक हो गई है बहुत ज्यादा. तो जैसा कि आपने वीडियो देखा, ये लड़कियों वाले काम कर रहा है, लड़कियों वाले ब्यूटी पार्लर में जाके इसने ये फेशियल्स वगैरह करा रहा है. पता नहीं क्या क्या इसने मुंह पे लगाया हुआ था. और लड़कियों जैसे इसने बाल रखे हुए हैं और उसको स्ट्रेट करवा रहा है. और पीछे से तो ये लग ही रहा था कोई मोटी सी औरत बैठी हुई है. और ये बंदा इतना ज्यादा फेक है, मैं आपको बता नहीं सकता कि इसकी हाइट ज्यादा से ज्यादा 5 फुट 2-3 इंच है. ये इतना बड़ा नीचे इसके सोल होता है, शूज के नीचे वो पहनता है. अगर आप बहुत सारे यार पाकिस्तानी लौंडे फिर बोलेंगे कि हमें नहीं यकीन है, तो तुम टट्टुओं को भी मैं इसके ऊपर वीडियो बना के दिखा दूंगा. अगर तुम लोगों के मन में डाउट है, ये 5 फुट 2-3 इंच से ज्यादा नहीं है, ये इतना सा बोना सा तुम्हारा है ये पाकिस्तानी टट्टू. और जो 400 किलो बोलता फिरता है, इसका 100 से ज्यादा वेट नहीं है, फेक कपड़े डालता है, ऊपर से अब ये हिजड़ा भी निकला है. तो पाकिस्तानी वैसे कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं है. अब ऐसे बंदे तुम्हारे देश में, तुम्हारे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तुम्हारी रेसलिंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि तुम लोग वैसे ही अब कहीं मुंह दिखाने लायक बचे हो. और तुम्हारे पाकिस्तान में ही से एक रेसलर ने इसको चैलेंज किया था, उस्मान खान उसका नाम था, और उससे ये डर के भाग गया. उसके पीछे पीछे भाग रहा था, उसे फोन कर रहा था कि प्लीज तू मैच हार जा, मेरी जो 2 कौड़ी की इज्जत है जो तूने इंडिया के रेसलर्स को चैलेंज कर करके बनाई है, सभी को पता है कि तू इंडिया के रेसलर्स को क्यों चैलेंज करता है. तू चैलेंज करता है हमारे ग्रेट खली को, तुझे पता है कि उन्होंने रिटायरमेंट ले ली है, अब वो रेसलिंग नहीं करेंगे तेरे साथ, तेरे चपेटे नहीं मार पाएंगे. तो मैं 28 साल का तेरे सामने खड़ा हूँ, मेरे पास रिटायरमेंट वाली कोई चीज नहीं है और मुझे नहीं लगता कि मैं जल्दी रिटायर होने वाला हूँ. तुम जैसे बंदों को ठोकने के लिए मेरे पास 25-30 साल हैं. तो तेरी उम्र कितनी होगी खान पापा? ज्यादा से ज्यादा तो 30-35 साल का होगा, ठीक है. तू मुझे पता है कि बूढ़ा होना शुरू हो चुका है, तो 28 साल का नौजवान तेरे सामने खड़ा है, मेरे साथ आके फाइट कर ले, ज्यादा बातें ना करे. लेकिन यार बात वही पे आती है, तू एक हिजड़ा है, तू सिर्फ बातें करेगा. जब तुझे कोई चैलेंज करेगा या तेरा चैनल सेट करेगा, तू वहां से भाग जाएगा. जैसे तूने उस्मान खान के साथ किया, अभी वो मेरे साथ कर रहा है, मेरा भी चैलेंज तू सेट नहीं कर रहा. तो एक और चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि इसने आज तक अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही मैच किया है, उसकी वीडियो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दिखा दूंगा. और वो मैच इसने किया है पाकिस्तान के नौमान खान के साथ. और नौमान खान
पाकिस्तान का क्या दुनिया का सबसे बड़ा हिजड़ा है, तो मुझे नहीं लगता कि उसके बारे में किसी को नहीं पता होगा। आप सभी ने उसकी वो फेक वीडियोस देखी थी, वो कैसी कैसी हरकतें करता था वीडियोस में। अब वही ये खान बाबा है यार, इन्होंने आपस में मैच किया है, इससे पता चलता है कि ये खान बाबा 100% प्रूफ हो जाता है कि ये पाकिस्तानी हिजड़ा है। ये मर्द की जो कैटेगरी है उसमें आता ही नहीं है। अगर ये मर्द की कैटेगरी में होता तो मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करता, मेरे साथ फाइट करता, बड़ी बड़ी बातें ना करता, सिर्फ वीडियोस में फेक चैलेंजेस करने, अपनी जो फेक पॉपुलैरिटी दिखानी, इतनी बड़ी हील डाल लेनी, बॉडी को कवर रखना, बॉडी को दिखाने में शेम महसूस करनी, शर्म महसूस करनी। तो इससे सभी चीज़ों से ये प्रूफ हो जाता है कि ये जो खान बाबा है ये 400 किलो की पाकिस्तान की औरत है।